रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सबार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। मैं जानता हूँ आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान अत्याचारी जो हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए, हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से अपने वोट नहीं दिया है, तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। दो चार टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारी पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया तो वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है, उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा जो किया उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है, हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे, जो जमीन जो सम्मान लौटाया जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूँ अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी, ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। ये आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुँचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है, आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया, आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। और आपका जो उत्साह देख रहा हूँ वो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बंगाल तो शक्ति पूजा की भूमि है, दुर्गा पूजा की भूमि है और आप उसी शक्ति का पर्याय है। आप जिस मेहनत से, जिस हिम्मत से काम कर रही है वो बड़ी बात है और अभी वहाँ जिस टीएमसी पार्टी की सरकार है उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बीजेपी सरकार की कितनी ही योजना हो वहाँ टीएमसी सरकार लागू ही नहीं होने देती। आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताइए कि कैसे वहाँ की टीएमसी सरकार सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है।